सो हाय गाइस, दिस इज नील और स्वागत है आप सभी का टेक नील चैनल पर। आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं, या फिर हमारे स्पेशल शब्द में पोस्टमार्टम करने वाले हैं एक नए TWS ईयरफोन का जो मार्केट में अभी आया है। ये है बोल्ट ऑडियो का एयरबेस Z1। यस, इट इज Z1। इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे, जानेंगे क्या है खासियत, क्या है प्राइस पॉइंट और क्या इस प्राइस पॉइंट पर इस चीज़ को आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, साउंड कैसा है, कॉलिंग टेस्ट कैसा है, सब कुछ जानेंगे मेरे भाई। तो अभी के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा आपके इस बढ़िया से चैनल को, बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और एट द एंड वीडियो अच्छा लगे तो यार एक लाइक बटन भी ठोक ही दीजिएगा। चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। सो गाइज, दिस इज द बोल्ट ऑडियो एयरबेस Z1, एक TWS ईयरफोन, और आज इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। पीछे की तरफ आपको सारे स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे। प्राइसिंग की बात करें तो बॉक्स पर लिखा है लगभग 5,499, बट इस वक्त ये Amazon Flipkart पर बहुत ही सस्ती कीमत पर आपको देखने मिल जाएगा। सो यहाँ पर भी आपको कुछ स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए यार, बिना टाइम वेस्ट किए खोलते हैं डब्बे को और जानते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या कुछ जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए फिर, यहाँ पर ये खुल गया है बॉक्स। सबसे पहले आपको एक छोटा सा कार्ड मिल जाएगा, इसके अंदर आपको सारे पेपर वर्क जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो क्या क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है 100 रुपये का वाउचर कार्ड आपको मिल जाएगा, तो ये आप चाहे तो क्लेम कर सकते हैं नेक्स्ट परचेस के ऊपर। आपको बोल्ट ऑडियो एयरबेस Z1 का यूज़र मैनुअल देखने मिल जाएगा, ये आप रीड कर सकते हैं। और क्या है चीज़ें, अब है इसके अंदर हमारे पास एसेसरी का बॉक्स और अपने जो प्रोडक्ट है वो। तो एसेसरी देख लेते हैं क्या क्या एसेसरीज मिल जाती है। सो दिस इज़ द चार्जिंग केबल विच इज़ Type A to Type C चार्जिंग केबल। तो अच्छा है भाई, फास्ट चार्जिंग केबल जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे फास्ट चार्जिंग भी जो है ये ईयरफोन सपोर्ट करता है। यहाँ पर लगभग आप 15 मिनट चार्ज कर सकते हैं और उसके बाद आपको जो है 1.5 घंटे का प्लेबैक जो है वो आपको मिल जाएगा। सो चलो भाई, ये आ रहा है डब्बा बाहर। ओहो हो, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट और बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है, नन्नू सा है। सो फ्रंट में आपको बोल्ट ऑडियो की ब्रांडिंग मिल जाएगी। दिस इज़ दी चार्जिंग LED, यहाँ पे ये देख सकते हैं जब आप ओपन कर रहे हैं तो ये लाइट लग रही है। सो दिस इज़ दी चार्जिंग LED। नीचे की तरफ आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। चार्जिंग इज़ अराउंड 1 से 2 घंटे में चार्ज हो जाएगा और उसके बाद 24 घंटे का प्लेबैक आपको मिलता है। डिज़ाइन इज़ गुड, ग्लॉसी फिनिश जो है वो आपको देखने मिल जाती है सारे एच की तरफ, और बीच का जो सेक्शन है ये ब्लैक कलर है, ये लगभग ग्लॉसी नहीं है, मैट फिनिश दिया है। आइए भाई खोलते हैं कि ईयरफोन जो है कैसे नज़र आते हैं। सो निकालते हैं बाहर। ओह, एकदम नन्नू से छोटी से, मतलब वेरी डिफरेंट डिज़ाइन है, बहुत ही छोटे से ईयरफोन है और लाइट वेट भी बहुत ही ज़्यादा है। इसको रख देते हैं। सो दिस इज़ द ईयरफोन। अब ये बहुत ही ज़्यादा छोटे है, मेरे को डिज़ाइन बहुत अजीब सा लगा है बिकॉज वेरी डिफरेंट डिज़ाइन। ये डंडी पहले थोड़ी बड़ी आती थी, अब डंडी थोड़ी छोटी आती है। यहाँ पे आपको बोल्ट की जो ब्रांडिंग है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है, और दिस इज़ द ईयरफोन, और ये 45 डिग्री पर टिल्टेड है, ना कि एक रबर्ड ईयरफोन है जो ईयर टिप आता है। एक प्रॉपर केसिंग दी गई है जिसको आप कान में फिट करके गाना सुनते हैं। फ्रंट की तरफ यहाँ पे जो है जाली जो है मैश जो है नज़र आती है, और नीचे की तरफ जो है चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। सो इसको ज़रा हटाते हैं। तो ये चार्जिंग पिन्स है, इसके ऊपर भी है चार्जिंग पिन, तो इसको भी हटा देते हैं। सो नाउ इट इज़ रेडी, और अब आप इसके ऊपर गाना सुन सकते हैं। देखते हैं भाई कैसी इसमें कोई लाइट लगती है क्या, चार्जिंग लाइट। बहुत ही छोटे है, इसको यहाँ लगाते हैं। अच्छा, ये यहाँ का है और ये यहाँ पर। सो ईयरफोन पे तो मेरे को चार्जिंग लाइट कहीं पर नज़र नहीं आ रही है, और बस यहाँ पर एक चार्जिंग लाइट जो है वो डिनोट होती है कि भाई ईयरफोन जो है चार्ज हो रहा है। सो बढ़िया सा है। अब ज़रा साउंड टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं भाई कि साउंड कैसा आपको डिलीवर होता है इसके अंदर।
टेस्टिंग जो भी कुछ आपने भी सुना है, ये 5-10% है इसकी एक्चुअल साउंड क्वालिटी का। बिकॉज अभी इसको आप माइक्रोफोन पे कितना टेस्ट कर लोगे, एक्चुअल मजा तो कान पे ही आएगा। मेरी जुबानी सुने, मैंने सुना है लगभग 2-3 घंटा टेस्टिंग के बाद साउंड इज गुड, बेस अच्छा मिल जाता है, ट्रिबल इज गुड, वोकल बहुत क्लियर थे, मेरे को वोकल सुनने का मजा है। अगर कोई क्लासिकल सॉन्ग सुनना चाहते तो भाई बहुत अच्छा साउंड करेगा इसके ऊपर, और बेस भी अच्छा है, ओवर हाई बेस नहीं है, वेरी मीडियम साइज बेस आपको जो है सुनने मिलता है, और 100% वॉल्यूम पे भी गाना डिस्टॉर्ट नहीं होता। ये मेरे को एक बहुत ही अच्छा सा चीज़ लगा, बिकॉज नॉर्मली 100% पे गाना जो है फटने लगता है, इस पे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ है। तो साउंड के मामले में आप इसको अच्छा खासा पॉइंट दे सकते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगा है। सो गाइज, दिस इज द ईयरफोन्स। अब प्ले पॉज करना सुना है गाइज, दिस इज द ईयरफोन्स। अगर आप इसको सिंगल टैप करें तो म्यूज़िक को जो है वो आप पॉज कर सकते हैं, सिंगल टैप करें तो जो है प्ले कर सकते हैं, इफ़ यू टैप डबल क्लिक तो आगे जो है वो गाना जो है आपका वो आपका चला जाएगा, और अगर आप लेफ्ट का डबल टैप करेंगे तो गाने को जो है वो आप पीछे ले सकते हैं। इसी के साथ अगर आप दबा के रखेंगे तो गूगल असिस्टेंट या और सीरी जो होगा वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। कभी कभी ये टाइम लेता है गूगल असिस्टेंट या सीरी को एक्टिवेट करने के, देख सकते हैं सीरी जो है वो एक्टिवेट हो गया है। सो फंक्शंस बहुत बढ़िया है, कॉल्स पिक करने के लिए सिंगल टैप, कॉल रिजेक्ट करने के लिए डबल टैप किया जा सकता है। अब गाइस, जैसे डिज़ाइन छोटा है तो बैटरी भी इसके अंदर छोटी होगी, तो ये टोटल जो है प्लेइंग टाइम आपको 24 घंटे का देता है, वो भी 60-70% वॉल्यूम के ऊपर। 100% पे सुनेंगे तो ये जल्दी ड्रेन कर जाएगा, तो भाई 60-70% पे इस पे नहीं सुन सकते, बिकॉज बहुत ही लो वॉल्यूम फील आउट होता है जब गाना सुन रहा था मैं। तो 100% पे इस पे आप मज़ेदार म्यूज़िक सुन सकते हो, बिकॉज हम आउटडोर में ज़्यादा सुनेंगे ट्रैवलिंग करते वक्त, तो भाई बहुत सारा एनवायरमेंटल नॉइस होता है, और इसमें एनवायरमेंटल नॉइस कैप्चर होता है ईजिली, बिकॉज ये कानों को थोड़ा सा लूज रखता है, ग्रिप नहीं पकड़ता, तो ये भी डिसएडवांटेज है, बिकॉज एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिल नहीं होता इसके अंदर, तो आपको बाहर की भी आवाज़ें आएगी और गाने की भी आवाज़ आएगी, तो ऑब्वियस बात है आपको 100% वॉल्यूम पे सुनना पड़ेगा। तो ये आपका 24 घंटे की जगह पे आपको शायद 12-15 घंटे का ही प्लेबैक टाइम देगा, यानी कि इसको सिंगल चार्ज में आप शायद 5 दिन तक यूज कर पाओगे, फिर से आपको इसे चार्ज करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कॉलिंग फीचर के बारे में। कॉलिंग फीचर मेरे को नहीं अच्छा लगा इसके ऊपर। दिस इज नील, और भाई ये इस वक्त मैं कर रहा हूँ एक छोटा सा माइक्रोफोन टेस्टिंग इनडोर के अंदर, मतलब घर के अंदर बैठ कर, जहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा साउंड नहीं है, बस मैं हूँ, मेरी तनहाई है, मैं अकेला हूँ, और रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती है, मैंने देखा सुना भी है, अच्छी तरह से ये माइक्रोफोन जो है आवाज़ रिकॉर्ड करता है, और आप सामने वाले की तरफ भी अपनी आवाज़ पहुंचा पाओगे। अब जरा एनवायरमेंटल नॉइज के अंदर देखते हैं कि भाई कैसी साउंड रिकॉर्ड होती है माइक्रोफोन के ऊपर। तो चलते हैं बाहर एनवायरमेंटल नॉइज के अंदर। तो भाई इस वक्त मैं हूँ आउटडोर कंडीशन में, जहाँ पे मेरे सामने रोड है, बाइक्स कार्स, ट्रैफिक थोड़ा सा चल रहा है, वैसे वेरी मिनिमलिस्टिक ट्रैफिक, ज़्यादा नहीं है, तो रिकॉर्डिंग मेरे को थोड़ी ठीक ठाक लगी, इतनी मज़ेदार नहीं लगी है रिकॉर्डिंग, आप भी सुन रहे होगे, तो थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। इनफैक्ट माइक्रोफोन जो मेरी आवाज़ को थोड़ा सा दबा दबा सा कैप्चर कर रहा है, थोड़ा और खुला या और थोड़ा कैप्चर करना चाहिए था, तो शायद मेरे को लगता है कि इसके अंदर कॉलिंग टेस्ट बराबर हो सकता था। तो अगर मेरे हिसाब से अगर देखें तो कॉलिंग मेरे को इस ईयरफोन के ऊपर अच्छा नहीं लगा है। 2 इसके अंदर ड्यूल माइक्रोफोन दिया है, फिर भी इतनी अच्छी तरह से जो है मेरी आवाज़ को ये कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप कॉलिंग के लिए स्पेसिफिक ईयरफोन ले रहे हो तो मैं आपको मना करूंगा ये वाले ईयरफोन्स लेने के लिए, मतलब इसकी जगह पे कोई और वाले ले लेना। इंडोर कंडीशन में अच्छा है, बट अगर एनवायरमेंटल नॉइस पे अगर आप इसे सुने बाहर की तरफ ट्रैफिक में, तो भाई ट्रैफिक की आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा ये कैप्चर करता है, तो भाई कॉलिंग के लिए ना है। अगर आप कॉलिंग के लिए स्पेसिफिक ले रहे हो तो मत लेना इसकी जगह पे, कुछ और रिकमेंडेशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। नाउ व्हाट नेक्स्ट, टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जिसके थ्रू आप थोड़ा जल्दी से इसे चार्ज कर सकते हैं, बट इतना भी जल्दी नहीं है, 15 मिनट चार्ज करोगे तो ये सिर्फ आपको 1.5 घंटे का प्लेइंग टाइम देता है, तो ये मेरे को थोड़ा कम लगा। एटलीस्ट कम से कम 15 मिनट में ये 5-6 घंटे का प्लेइंग टाइम देता, तो भाई मज़ेदार चीज़ हो जाती। अब बात करें प्राइसिंग की, प्राइसिंग इज़ अराउंड 1499 रुपीज़, 1500 की कीमत में ये ईयरफोन्स अवेलेबल है, तो मेरे को थोड़े से ओवर प्राइस लगे हैं। मेरे हिसाब से ये 1000 रुपये के आसपास होते तो ज़्यादा जो है बढ़िया होता, या 900-800 के आसपास होते तो शायद अच्छा लगता, बट यस ये नए इंट्रोड्यूस हुए तो शायद प्राइसिंग ऐसी है, धीरे धीरे कम हो जाएगी। 1499 प्राइस है,
अच्छी प्राइसिंग है, ठीक ठाक है, खरीदना चाहे जरूर खरीदे, परचेस लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो ये थी डिटेल एंड पोस्ट बॉटम इस छोटे से नन्नू से एयरबेस Z1 का। तो अच्छा लगा है यार, तो एक बार इस वीडियो के लिए लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा, और भाई नए हैं चैनल पे तो यार सब्सक्राइब मार दो, आपका भाई ऐसे ऐसे अच्छे वीडियोस बनाते रहता है, लाइक बटन भी ठोकेगा और वो जो बेल आइकन है, जो घंटा वाला बटन है, वो उसको भी आप दबाइएगा ज़रूर।